तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, मैं आ चुका हूँ एक और नए फ्रेश वीडियो के साथ। तो गाइस मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में सिखाऊंगा कि कुछ स्टेप से फोटो एडिटिंग कैसे करते हैं। गाइस आप अपने हेयर को कुछ स्टेप से कैसे एडिट कर सकते हैं एंड अपने फेस को आप कुछ स्टेप से व्हाइट कैसे कर सकते हैं, और गाइस आप अपने शर्ट का कलर कुछ स्टेप से कैसे चेंज कर सकते हैं। तो गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों को सिखाऊंगा कि कुछ स्टेप से अलग अलग कार्टून में बैकग्राउंड को अलग अलग कार्टून में फोटो एडिटिंग कैसे करते हैं गाइस। और यहाँ पे इस वाले फोटो का आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर टून कुछ अलग है, ठीक है गाइस। तो मैं आप लोगों को यहाँ से इसका ओरिजिनल पिक दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये ओरिजिनल पिक है और मैंने इसी वाले फोटो को यहाँ पे एडिट किया और यहाँ पे एडिट किया और यहाँ पे एडिट किया हूँ। तो गाइस आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा फोटो कितने कमाल का एडिट हुआ है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को कि आप भी कुछ स्टेप से बवाल फोटो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। तो इससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं जो भी फोटो से लिख रहा हूँ सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, हम इधर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग यहाँ से क्या करेंगे, अपने ओरिजिनल पिक पे आएंगे। तो देन गाइस आपको अपने ओरिजिनल पिक पे आना होगा और वीडियो को स्टेप बाई स्टेप देखना और वीडियो को ध्यान से देखिए गाइस। तो सबसे पहले शेयर वाले ऑप्शन पर टाइप करना होगा। तो ये बहुत आसान ट्रिक है, शेयर वाले ऑप्शन पर टाइप करके और ऑटोडॉक्स स्केचबुक एप्लीकेशन में एप्लीकेशन के अंदर आप इस फोटो को शेयर कीजिएगा। अगर आपके फोन में है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं स्केचबुक एप्लीकेशन को। तो हम यहाँ से सीधा स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर इस फोटो को शेयर करते हैं। तो गाइस आप लोग वीडियो को स्टेप बाई स्टेप देखिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ से स्केल वाले ऑप्शन पर आएंगे, यहाँ पे एक बैकग्राउंड को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करना होगा और इंपोस्ट इमेज वाले ऑप्शन पे टैप करके बैकग्राउंड को ऐड करना होगा। तो देखिए सेम हम जिस तरह कर रहे हैं आप भी सेम इसी तरह कीजिएगा। तो यहाँ पे टैप करके और थ्री लाइन पे क्लिक कर देता हूँ और नीचे मैं फोटोस वाले ऑप्शन पे टैप कर देता हूँ। तो फाइनली यहाँ पे टैप करके डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेता हूँ। तो इस बैकग्राउंड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो फाइनली के हिसाब से भी यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा फोटो ऐड हो चुका है, ठीक है, बैकग्राउंड ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे इतना काम करके और यहाँ सही का जो ऑप्शन आपको मिल जाएगा आप इस पर टैप कीजिए। तो फाइनली के हिसाब से देख सकते हैं कि हमारा फोटो कुछ स्टेप से बन चुका है। और फाइनली के हिसाब आप लोग को यहाँ लेयर का जो ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो इस पर टैप कीजिएगा और अपने फोटो मॉडल को कुछ स्टेप से ऊपर की तरफ लगा और छोड़ दीजिएगा। तो फाइनली के हिसाब का फोटो अब कुछ स्टेप से हो जाएगा। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा भी कन्फ्यूज मत होना है, देखना है वीडियो को ध्यान से। ब्रश वाले ऑप्शन पर टैप करना होगा, यहाँ पे आपको टैप करके और यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ आना होगा, नीचे की तरफ आना होगा। ध्यान से देखिए वीडियो को स्टेप बाय स्टेप और 100% आप समझिएगा, एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को इरेजर मिल जाएगा और ये वाला ब्रश आपको यहीं पर मिल जाएगा। तो आप ये वाला ब्रश सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ सेटिंग का जो ऑप्शन मिल जाएगा तो आप सेटिंग पर क्लिक कीजिएगा। तो सेटिंग का क्या करना, अमाउंट रेजर को आप लोग 100 रख लीजिएगा और साइज को मैं अभी यहाँ से 10 रख लेता हूँ। 10 रख लेते साइज को तो आप अपने हिसाब से रखिए, ये तो आप पे डिपेंड करेगा, ठीक है, और यहाँ से कट कर देते हैं। तो फाइनली इस कट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ से हम कुछ स्टेप से ना सिंपली हम यहाँ से कुछ स्टेप से हम अपने बैकग्राउंड को यहाँ से चेंज कर लेंगे। गाइस आप सब देख सकते हैं, जस्ट केवल अपने बैकग्राउंड पे अपने ब्रश को अप्लाई करना है। यहाँ पे जस्ट आप अपने बैकग्राउंड पे अपने ब्रश को अप्लाई कीजिएगा ना, तो यहाँ पे आपका बैकग्राउंड यहाँ से चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम इधर देखिए वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं। तो गाइस आप सब लाइव प्रूफ यहाँ पे देख सकते हैं कि हम अपने फोटो का बैकग्राउंड कुछ स्टेप से चेंज कर चुके हैं। तो सिंपली गाइस आप अपने फोटो का बैकग्राउंड चेंज करने के बाद अपने फोटो को कुछ स्टेप से जूम करना है और एक यहाँ पे हेयर पीएनजी को ऐड कर लेना। तो इसके लिए जिस तरह बैकग्राउंड को किए थे उसी तरह करना है, ठीक है, सेम वही प्रोसेस करना है। तो सबसे पहले स्केल वाले ऑप्शन पर आएंगे आप सबको यहाँ पे और इम्पोस्ट इमेज वाले ऑप्शन पर टाइप कर देंगे। सेम वही प्रोसेस करना है जिस तरह बैकग्राउंड को किए थे उसी तरह करना है। थ्री लाइन पर क्लिक करके और फोटोस वाले ऑप्शन पर टाइप कर देंगे और यहाँ से मैं डाउनलोड वाले ऑप्शन देता हूँ और ही इस हेयर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहाँ से जाकर आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस हमारा हेयर पीएनजी यहाँ पे है तो हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। फाइनली गाइस इसको लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे अपने हेयर पीएनजी को कुछ स्टेप से एडजस्ट कर देंगे। मैं आप सबको दिखा देता हूँ कि कुछ स्टेप से इसको हम एडजस्ट कर देंगे। मैं फाइनली इसको कुछ स्टेप से एडजस्ट कर देता हूँ। तो फाइनली इसको आराम से एडजस्ट कर देना होगा, आराम से गाइस, इसको घबराना नहीं है। यहाँ पे हमारा एडजस्ट हो चुका है और यहाँ सही का जो ऑप्शन आपको मिल जाएगा आप इस पर टैप कीजिएगा। सिंपली इसको अच्छे तरीके से हम एडजस्ट कर चुके हैं। अब फाइनली इस एडजस्ट करने के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने फेस को स्मूथ कर लेंगे। आप सब देख सकते हैं हमारा फेस एचडी में नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम इसको जस्ट जैसे स्मूथ करेंगे तो बहुत ही यहाँ पे बेस्ट हमारा फेस लगेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे गाइस, देखिए ध्यान से वीडियो को। तो सबसे पहले लेयर वाले ऑप्शन पर आएंगे, सबसे पहले लेयर वाले ऑप्शन पर आएंगे और यहाँ जो आपको मिल जाएगा अपने फोटो वाले मॉडल, इस पर एक बार टैप कीजिएगा तो जो हरा वाला चीन है आपके फोटो के मॉडल पर दिखाई देना चाहिए, ठीक है, ये वाला आ जाएगा और यहाँ से ड्रॉ कर देना होगा। अब फाइनली गाइस आपको यहाँ जो ब्रश कप से मिलेगा आप इस पर टैप कीजिएगा और लाइब्रेरी पर टैप कीजिएगा और यहाँ से थोड़ा सा
की तरफ आ जाइएगा। देखिए ध्यान से वीडियो को स्टेप बाय स्टेप और समझने का कोशिश कीजिए। आप लोग ये बड़ा ब्रश सेलेक्ट कीजिएगा, देखिए ध्यान से यहाँ पे स्मूथ लिखा हुआ मिल जाएगा आप लोगों को, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो यही में बड़ा ब्रश सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। यहाँ से आप लोग ये बड़ा ब्रश सेलेक्ट कीजिएगा और सेटिंग पे क्लिक कीजिएगा। तो इसका सेटिंग देखिए ध्यान से, थोड़ा सा सेटिंग पे ध्यान दीजिएगा, जिससे फोलो को हम लोग 5 पर रख लेते हैं, स्ट्रेन को 4 रख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से साइज को 10 ही रखते हैं हम लोग, यहाँ से 9 पॉइंट हम लोग यहाँ से 9 से कुछ ज़्यादा रख लेते हैं। इसमें अभी यहाँ से 11.2 रख लेता हूँ और सिंपली कट कर देता हूँ। अब फाइनली इसे ऐसे हम अपने फेस को कुछ स्टेप से स्मूथ कर लेंगे गाइस, आप सब लाइव प्रूफ देख सकते हैं। तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा फेस कितना बेस्ट स्मूथ रहा है गाइस, तो आप भी कुछ इसी टाइप से कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम इधर के वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं। तो फाइनली गाइस आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से हम अपने फेस को कुछ स्टेप से स्मूथ कर चुके हैं। मैं आप लोगों को यहाँ से जूम करके दिखा देता हूँ कि गाइस आप सब देख सकते हैं कि हमारा फेस कितना बेस्ट स्मूथ हो चुका है। तो स्मूथ होने के बाद सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ शॉर्ट का कलर चेंज कर लेंगे। तो इसके लिए गाइस क्या करेंगे ना, यहाँ जो लेयर वाला ऑप्शन मिलेगा इस पर टैप करने का। फाइनली देखिए वीडियो को स्टेप बाय स्टेप और समझने का कोशिश कीजिए। प्लस वाले ऑप्शन पर आ जाइएगा और यहाँ पर टैप करके और इस लेयर पर टैप कर देना होगा, नॉर्मल ऑप्शन पर टैप करके, और यहाँ से आप लोगों को डार्किंग का जो ऑप्शन मिल जाएगा 2 नंबर पर आप लोग देखिए ध्यान से इस पर टैप कर देना होगा कट और यहाँ से ड्रो। अब सिंपली गाइस आपको ब्रश वाले ऑप्शन पे आना होगा। मैं अभी सिंपली आ जाता हूँ और लाइब्रेरी पे टैप कर देता हूँ और थोड़ा सा नीचे की तरफ बनाए। देखिए ध्यान से वीडियो को 100% आपको एडिटिंग सीख जाइएगा और यहाँ ट्रांजेक्शन लिखे हुए मिलेगा, तो आप इस पर टैप कीजिएगा और फाइनल गाइस सेटिंग पे क्लिक कीजिएगा। बहुत ही आसान है गाइस, यहाँ से ऑपेसिटी को 100 और साइज को मैं अभी यहाँ से 8.4 रख लेता हूँ और कट कर देता हूँ। अब गाइस क्या करना है आपको, देखिए ध्यान से कलर्स का जो ऑप्शन आपको मिलेगा, तो आपको कलर्स वाले ऑप्शन पे टैप करना होगा और यहाँ पे आपका जो भी मर्जी कलर कलर वो रख सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ से रेड रख लेते हैं और यहाँ से कट कर देते हैं। अब फाइनली गाइस क्या करेंगे ना, यहाँ से हम कुछ स्टेप से ना यहाँ से हम अपने शॉर्ट के कलर चेंज कर लेंगे गाइस। आप सब देख सकते हैं बहुत ही आसान है गाइस, हमारा आराम आराम से आप कीजिएगा, बहुत ही बेस्ट आपका यहाँ पे शॉर्ट का कलर चेंज हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम इधर की वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं। तो गाइस आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि अब अपने शॉर्ट का भी कलर कुछ स्टेप से चेंज कर चुके। तो फाइनली गाइस शॉर्ट के कलर चेंज करने के बाद यहाँ से क्या करेंगे ना, हम अपने चश्मे का कलर चेंज कर लेंगे, जैसे रेड भी रखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले लेयर वाले ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ पे बस इस पर टैप करके और प्लस वाले ऑप्शन पर टैप करके, लेयर पर टैप करके, नॉर्मल वेबसाइट पर टैप करके, और बस ये वाला सेटिंग का चेंज करना है, कलर डोज वाला रखना है, कलर डोज रखना है और यहाँ से कट करना है और से ड्रो। अब गाइस फाइनली ब्रश वाले ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे और यही वाला हम लोग ब्रश रखेंगे, ठीक है। और कलर्स तो यही वाला रखेंगे रेड, हम यहाँ से इसको क्या करेंगे 4 रख लेते हैं, ठीक है। ये भी रखना है कलर्स और यही वाला ब्रश रखना है, सेटिंग यही वाला रखना है और यहाँ से कट कर देते हैं। अब फाइनली गाइस यहाँ से क्या करेंगे ना, हम अपने चश्मे के कलर कुछ स्टेप से चेंज कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों हम इसको थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हम अपने चश्मे का भी कलर कुछ स्टेप से चेंज कर चुके हैं। तो फाइनली गाइस चश्मे का कलर चेंज करने के बाद अब गाइस क्या करना होगा, जो बॉक्स का ऑप्शन आपको मिलेगा इस पर टैप करने का, फाइनली इस पर टैप करके और शेयर वाले ऑप्शन पर टैप करने का, ठीक है। और गाइस में आप लोगों को यहाँ पे सेव टू डिवाइस वाले ऑप्शन पर टैप करने का, यहाँ पे जस्ट टैप कीजिएगा तो ये तो आपका फोटो फोन की गैलरी में चला जाएगा गाइस। तो अब हम इसको सीधा ओपन करते हैं लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। तो फाइनल के इसमें आ चुका हूँ लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। तो गाइस यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑल फोटोज का जो ऑप्शन आपको मिलेगा आप इस पर टैप कीजिएगा। फाइनली आपको यहाँ पे टैप कर दीजिएगा, आपका फोटो यहाँ पे शो करेगा जिस फोटो का आप इस एप्लीकेशन में शेयर किए होंगे। तो फोटो भी एक बार टैप करने का बहुत आसान है, देखिए ध्यान से वीडियो को, ठीक है। और गाइस यहाँ पे हमारा फोटो थोड़ा सकिन लेकर और यहाँ पे आ जाएगा। तो अब गाइस थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा नीचे कलर्स वाले ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, मैं आप लोगों को नीचे यहाँ पे डाउट आपको दिखाई देगा, यहाँ पे आप लोग देखिए कलर्स वाले ऑप्शन पे टैप कर देना होगा और फाइनली मिक्स का जो ऑप्शन आपको मिल जाएगा इस पर टैप कर देना होगा, देखिए ध्यान से। और सबसे पहले लेयर वाले टून को क्या करेंगे ना, इसको हम लोग 100 रख लेंगे, लगभग 100 रख लेंगे इसका सिचुएशन, ठीक है। और यहाँ से हम लोग 2 नंबर वाले टून पे आएंगे, देखिए ध्यान से इस पर आना होगा और इसका सिचुएशन आप कुछ स्टेप से लगभग हम 39 माइनस कर लेते हैं और लिमिनस को हम लोग जैसे 100+ रख लेते हैं, ठीक है। तो गाइस आप सब देख सकते कि हमारा फेस कितना ज़्यादा व्हाइट हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। अब गाइस आपको कलर्स का जो यहाँ पे सॉरी गाइस यहाँ से जो आपका मिलेगा बैकग्राउंड का कलर, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला बैकग्राउंड का कलर मिक्स करा है, ठीक है। तो हम इस पर टैप कर देंगे। अब गाइस यहाँ पे क्या करेंगे, आप कौन सा अपने यहाँ पे कलर रखना चाहते हैं अपने बैकग्राउंड का, ये भी आप यहाँ से रख सकते हैं, जैसे हम ये वाला रखना चाहते हैं। फाइनली गाइस यही वाला आप रख सकते हैं, लगभग हम इसको ये भी रख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये भी रख सकते हैं और ये भी रख सकते हैं। और गाइस यहाँ से हम लोग ये भी कलर रख सकते हैं, आप लोग लाइव प्रूफ देख सकते हैं गाइस। तो आप इसको जस्ट इधर उधर कीजिएगा तो आपका यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर चेंज होना लग जाएगा।
तो फाइनली हम ये वाला रख लेते हैं। तो गाइस सब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा फोटो कितना ही कमाल का एडिट हो चुका है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग वीडियो को समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आपसे फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।